आप तो मैसेज देंगे पाकिस्तान में? We are not गुलाम, absolutely not. आपको पैगाम दोगी पाकिस्तान? हम पैगाम ये देंगे पाकिस्तान के लिए, इतनी क्रेडिबल सोसाइटी के लिए इतने नॉन क्रेडिबल लीडर्स नहीं हो सकते, और हम इमरान खान के साथ टिल एंड फाइट करेंगे फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह. कहना ये चाहते हैं कि इमरान खान को वापस आना चाहिए और इन चोर करप्ट टोले को, इम्पोर्टर कमत को वापस भेजना चाहिए जहाँ से आए हैं, अमेरिकन के पेड पीपल हैं. ये क्या मजाक बना यार, पाकिस्तान ऐसे चले 2022 में इतनी धरती लौटेगा पुराने पाकिस्तान में क्या होता है? ह्यूमन राइट्स ऑप्शनल है पुराने पाकिस्तान में. अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज बहनों, मेरे हमरा, मेरे परदेसी बहन भाइयों, मैं कहती हूँ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर. आज मुझे फखर महसूस हो रहा है आपका जज्बा देख के. आज तहसीन पेश करती हूँ अपनी बहन भाइयों के लिए. अब मैं इमरान खान के लिए दो शेर अजर करती हूँ. मैं कहती हूँ तुम भी ना घबरा सुनेगा, ये तो ले चलनी है तुझे ऊंचा उड़ाने ले रही है. तेरा नशे मन नहीं कर इस गुम्बद पर, तू शाही है बस मरियम के पापा, मरियम के पापा, नवाज शरीफ गली गली में मरियम के पापा, मरियम के पापा, हजारों पाकिस्तानी आप देखिए नवाज शरीफ की घर की तरफ जा रही है और रोजे के साथ सब लोग इधर आए हैं, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, जवानों से लेके
कैंसिल हो जाएगा। बच्चों तक देखिए हजारों की तादाद यहाँ पे जमा हुए हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। हाइड पार्क है, इधर सब लोग इकट्ठे होते हैं, खड़े होके अपना इजहार कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तो आज बिलीव करें कि हजारों की तादाद में हमारे पाकिस्तानी जो आके अपना इजहार कर रहे हैं कि जो हमारी अदालतों ने फैसले किए हैं उनको बिल्कुल मंजूर नहीं। इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। वो हमारा एक बहादुर लीडर है और वो झुकेगा सिर्फ अपने अल्लाह के आगे और इन लोगों के आगे नहीं झुकेगा।
और फिर आप देखें तीनों ने पाकिस्तान को क्या दिया है सवाए रसवाई बदनामी के। बहुत ही शर्म फील होती है इस कंट्री में जब हम लोग अपने प्रेसिडेंट के बारे में, अपनी आर्मी के बारे में या अपने अदलिया के बारे में जब हम इधर सुनते हैं कि उन्होंने ये गलत फैसले दिए हैं, तो ये इंग्लिश लोग भी हमसे पूछते हैं कि आपका पाकिस्तान है, तो फिर हमें जवाब देना नहीं आता कि हम इनको क्या बताएं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कोई अच्छा लीडर दे, तो हमारा पाकिस्तान भी इसी तरह तरक्की करे जैसे ये बाहर के यूरोपियन कंट्री तरक्की की है। तो इसके साथ ही आप अपनी बहन यास्मीन को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत ही जल्दी किसी अच्छी वीडियो के साथ या किसी अच्छी रेसिपी के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।